गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम जो पढ़ रहे थे क्लास 10 के लिए चैप्टर 3 उसके एक्सरसाइज 3.1 के सवाल हमने लास्ट वाले वीडियो में हमने किए थे, तो आज उसी का एक अगला सवाल है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका पांचवा सवाल, आई थिंक इस सवाल में सभी को प्रॉब्लम आई होगी। नहीं आई है तो बहुत अच्छी बात है, पर आई है तो समझ लीजिए कि इस सवाल को हमें किस तरीके से करना है। ये सवाल अभी तक जो हम सीखते आ रहे हैं उसी तरीके से ही करना है, बस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जो हो सकते हैं कि आपको यहाँ पे अंडर रूट 3 प्लस 1x लिखा हुआ है और इधर अंडर रूट 3 लिखा हुआ है। आई थिंक इससे किसी को प्रॉब्लम हो रही हो तो वो भी अभी सॉल्व हो जाएगी। तो देखते हैं, हम सीखते हैं हम सवाल। आज पहले का जो पांचवा सवाल है, बहुपद में हम एक्सरसाइज 3.1 कर रहे थे। तो देखिए एक्सरसाइज इसमें देखिए, ये हमारे पास वही क्या करना है। पहले सवाल में हम क्या कर रहे थे कि बहुपद जो है उसके शून्यक ज्ञात कर रहे थे और उन शून्यकों की जांच कर रहे थे। तो वही आगे पढ़ेंगे अब इसी में कि इस बहुपद के भी हम शून्य ज्ञात करेंगे और इसी बहुपद के शून्यकों की जांच भी करेंगे। तो देखिए वही हमें हर बार की तरह, यह हमारा पहली संख्या है, ये हमारी दूसरी संख्या है और ये हमारी तीसरी संख्या है। तो हम क्या करते हैं, पहली संख्या को तीसरी संख्या से गुणा करते हैं। तो पहली संख्या क्या है, देखो x स्क्वायर है, इसके साथ कुछ भी नहीं लग रहा है, इसका मतलब यहाँ पर क्या है, एक है। मैंने आपको बता रखा है कि किसी भी चर राशि के साथ यदि कोई संख्या नहीं हो इसका मतलब क्या होगा, वहां पर एक होगा। तो ऐसे ही x स्क्वायर के साथ यहाँ पर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, एक होगा। तो पहली संख्या एक, तीसरी संख्या अंडर रूट 3, इसको गुणा कर लीजिए। तो एक को गुणा करना है अंडर रूट 3 से, ठीक है। क्या आ गया, अंडर रूट 3 आ गया, गुणा करने पर क्या आ गया हमारे पास, एक को गुणा किया अंडर रूट 3 से तो अंडर रूट 3 आ गया है हमारे पास गुणा करने पर, ठीक है। अब देखिए हम यही करते थे, गुणा करने पर जो संख्या आ रही थी इस संख्या को हमें क्या करना है, इस संख्या के हमें टुकड़े करने हैं। टुकड़े मतलब ऐसी संख्याएं ढूंढनी है जिसको गुणा करने पर अंडर रूट 3 आ जाए। तो अंडर रूट कोई किसी भी कोई भी संख्या अगर अंडर रूट में है वो संख्या केवल उसको एक से गुणा करने पर ही आएगी। मतलब अगर आपने आपको अंडर रूट 5 चाहिए तो वो कैसे आएगा कि एक को अंडर रूट 5 से गुणा करना पड़ेगा तभी अंडर रूट 5 आएगा। और ऐसे ही सेम अगर आपको अंडर रूट में 7 चाहिए तो कैसे आएगा कि एक को अंडर रूट 7 से गुणा करना पड़ेगा तब आपके पास अंडर रूट 7 आ जाएगा। ऐसे ही अगर अंडर रूट में 11 चाहिए तो वो कैसे आएगा कि एक को अंडर रूट 11 से गुणा कर दो, मतलब एक से गुणा करने पर ही वही संख्या आएगी और किसी संख्या से गुणा करने पर अंडर रूट वाली संख्या नहीं आएगी। तो हमारे पास जो अंडर रूट 3 है वो कब आएगा, जब हम एक को गुणा कर देंगे अंडर रूट 3 में, ठीक है, एक को गुणा कर देंगे अंडर रूट 3 में, ठीक है। तो हमारे पास जो टुकड़े आ गए इस अंडर रूट 3 के वो क्या आ गए, एक गुणा अंडर रूट 3। मतलब हमने ये संख्या ढूंढ ली जिसको गुणा करने पर अंडर रूट 3 आता है। हम यही कर रहे थे अब तक कि अगर जैसे 12 था तो हमने देखा 4 दिया भी 12 होता है, 6 दूना भी 12 होता है और 3 चौक भी 12 होता है और 12 एकम भी 12 होता है, ऐसा किया था। यहाँ पर भी वही है कि अंडर रूट 3 कब आएगा, जब एक को अंडर रूट 3 से गुणा कर देंगे तब आ जाएगा। तो हमारा गुणा करने पर आ गया कि हमने संख्या ढूंढ ली जिसको गुणा करने पर अंडर रूट 3 आएगा। अब देखिए हमें क्या चाहिए होता है कि या तो इन दोनों संख्या को एक को और अंडर रूट 3 को जोड़ने पर बीच वाली संख्या आए या इन दोनों संख्याओं को घटाने पर बीच वाली संख्या आ जाए। यही करते थे, इस संख्या को और इस संख्या को
या तो जोड़ने पर जो सेकंड वाली संख्या है 20 वाली वो आ जाए, या इन दोनों संख्याओं को आपस में घटाने पर बीच में जो संख्या लिखी है सेकंड वाली वो आ जाए। अब देखिए आपकी दोनों संख्याएं कौन कौन सी है, एक तो एक है और एक अंडर रूट तीन है, तो आपको इसमें देखना ही नहीं पड़ेगा कि जोड़ने पर आ रही है या घटाने पर, क्योंकि देखो यहां लिखा हुआ है कि अंडर रूट तीन में हमने एक जोड़ा, क्या करा अंडर रूट तीन में एक जोड़ा, तो साफ पता लग रहा है कि इन दोनों संख्याओं को अगर आप जोड़ोगे तो ही बीच वाली संख्या आ जाएगी। समझ में आया, इन दोनों संख्याओं को जब आप जोड़ोगे तभी आपकी क्या हो जाएगी, कि बीच में जो संख्या लिखी है ये आ जाएगी। तो बीच वाली संख्या को जोड़ने पर आ रही है, ठीक है। तो देखिए कैसे लिखेंगे हम इसको, लिखेंगे एक्स स्क्वायर। मैंने बताया था आपको कि अगर आपकी जो संख्या बीच वाली जो संख्या है वो अगर जोड़ने पर आती है, क्या है बीच वाली संख्या अगर जोड़ने पर आती है, इन दोनों संख्याओं को जोड़ने पर अगर बीच वाली संख्या हमारी आती है तो चिन्ह कौन सा लगेगा दोनों संख्याओं के, ये वाला। तो हम कैसे लिख देंगे, ऐसे माइनस अंडर रूट तीन प्लस माइनस अंडर रूट तीन और माइनस एक्स सॉरी ए। देखिए वापस से समझिए क्या प्रॉब्लम होगी, कि वापस से समझ लीजिए, इन दोनों संख्याओं को जोड़ने पर अगर बीच वाली संख्या आती है, इन दोनों संख्याओं को जोड़ने पर बीच वाली संख्या अगर आ जाए तो जो इन दोनों संख्याओं के जो चिन्ह लगता है वो कौन सा लगेगा, बीच वाली संख्या के जो चिन्ह लगा हुआ है वही लगाना है। अगर इनको जोड़ने पर एक और अंडर रूट तीन को जोड़ने पर हमारे पास सेकंड वाली संख्या आ रही है तो जो बीच सेकंड वाली संख्या के चिन्ह लग रहा है वही चिन्ह दोनों संख्याओं के लगाना है। एक संख्या के तो लग गया माइनस का अंडर रूट तीन और दूसरी के लग गया माइनस का एक, ठीक है, और प्लस का अंडर रूट तीन ऐसे के ऐसे, ये चौथी संख्या तो ऐसे कैसे आती है। अब हम क्या करते थे, एक्स लगा देते थे दोनों के, एक्स लग गया एक के, हम x लगाने का मतलब क्या हो गया, ये ऐसे कैसे आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए आप यहां पर क्या होगा, वही हमारे पास दो दो संख्याएं बन चुकी है, दो जोड़े बन गए दो दो संख्याओं के। अब क्या करते थे हम, कॉमन लेते थे, तो देखिए दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इस वाले में यहां पर x है और यहां पर भी x है, x कॉमन आ गया, संख्या कोई भी एक जैसी नहीं दिख रही है, यहां पर एक संख्या एक है यहां पर संख्या में और यहां पे अंडर रूट का तीन है, यहां पर अंडर रूट तीन है और यहां पर एक है, तो दोनों अलग अलग होती है तो वो कॉमन नहीं आता कुछ भी, केवल x स्क्वायर और x स्क्वायर है और एक x है, तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा, x कॉमन आ गया हमारे पास, क्या बच रहा है, इसमें से हमने x कॉमन ले लिया, यहां पर देखो x स्क्वायर है, यहां से हमने एक x बाहर ले लिया तो क्या बचेगा, एक x बचेगा, देखो x की घात दो है, एक x कॉमन ले लिया तो x बचेगा, तो x जिन माइनस का है तो माइनस, इसमें से x कॉमन ले लिया तो इन दोनों में से x कॉमन लिया ना, यहां से लिया तो x बच रहा है और यहां से x कॉमन लिया तो x हट गया, क्या बचा अंडर रूट का t बच गया। आगे देखते हैं, माइनस है तो माइनस, यहां पर x है और यहां पे अंडर रूट 3 है, क्या है यहां पर तो x है हमारे पास, यहां अंडर रूट 3 है, तो अलग अलग संख्या होती है तो कॉमन क्या लेते हैं, एक, एक कॉमन आ गया, तो माइनस का एक कॉमन आया
तो यहां से क्या बता, देखो माइनस है और एक्स, तो देखिए माइनस के एक्स में से माइनस का एक कॉमन लिया, माइनस से माइनस कर दिया, क्या बता केवल एक्स, ठीक है। दूसरे पे चलते हैं, तो अंडर रूट तीन बटे माइनस एक, देखो अंडर रूट तीन बटे माइनस का एक, तो एक का भाग लगाया तो अंडर रूट तीन, और माइनस है तो माइनस की वजह से भाग लगाने पर माइनस का अंडर रूट तीन आ जाएगा, तो माइनस का अंडर रूट तीन। तो देखिए दोनों ब्रैकेट एक जैसे निकल रहे हैं, एक्स माइनस अंडर रूट तीन और एक्स माइनस अंडर रूट तीन, दोनों ब्रैकेट एक जैसे हैं। अब आगे देखिए, दोनों ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट इस तरीके से आ जाएगा यहाँ पर, और जो बाहर लिख रहा है वो अलग आ जाएगा, एक्स माइनस एक। हम क्या करते थे, दो ब्रैकेट सेम आ जाते थे, तो यहाँ पर एक ब्रैकेट लिखते थे और बाहर जो संख्याएं हैं एक्स माइनस एक, वो वाला अलग आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, एक बार तो x माइनस अंडर रूट तीन बराबर के जीरो होगा, और दूसरी साइड क्या होगा, x माइनस एक बराबर जीरो होगा। ये करते हैं, अंडर रूट तीन को बराबर के इधर लाएंगे तो x का क्या मान आ जाएगा, x का मान आ जाएगा x बराबर माइनस का अंडर रूट तीन बराबर के इधर आएगा तो प्लस का अंडर रूट तीन हो जाएगा, और यहाँ पर भी सेम माइनस का एक बराबर के इधर आएगा तो एक्स का मान कितना आ जाएगा, प्लस का एक। एक्स के दो मान आ चुके हैं आपके पास, एक्स बराबर अंडर रूट तीन और एक्स बराबर एक, ठीक है। ये रद्द वाला हटा दो इधर से। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है शून्यकों की जांच। यही करते थे हम, x के जो दो मान निकाल लिए उसके बाद हम क्या करते हैं, शून्यकों की जांच करेंगे। तो देखिए अब लिख देते हैं हम यहां पर, शून्यकों की जांच। तो देखिए शून्यकों की जांच में हमें क्या करना है, हमें निकालना है सबसे पहले शून्यकों का योग, यही निकाल देते हैं। तो शून्यकों का योग का फॉर्मूला क्या है, बोलिए सभी, शून्यकों का योग का फॉर्मूला है माइनस बी बटे ए, माइनस का बी बटे ए, तो वैल्यू रखिए। अब ए बी सी क्या है, तो देखो वही लिख लो, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी। तो ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक इसमें क्या है, कुछ नहीं है संख्या तो एक, यही होता है, अगर संख्या कोई नहीं है तो क्या होगा, एक। दूसरा बी क्या है, एक्स का गुणांक है बी, एक्स का गुणांक क्या है इसमें, एक्स के साथ कौन सी संख्या लग रही है, तो देखो पूरा का पूरा ब्रैकेट लग रहा है, इसका मतलब क्या है, एक्स के साथ ये पूरा का पूरा ब्रैकेट लग रहा है, तो बी बी का मान क्या हो गया, माइनस ब्रैकेट में अंडर रूट तीन प्लस एक। तो देखिए माइनस तो यहां पर इस वाले में भी है, और एक माइनस हमारे पास बी के मान में भी है, क्या हो गया, बी के मान में अंडर रूट तीन प्लस एक, ठीक है। अब देखिए माइनस से माइनस कट गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो शून्यकों का योग कितना आ गया, एक का हमने इसमें भाग लगाया तो कितनी बार गया, वापस दो की हुई, तो शून्यकों का योग कितना आया, अंडर रूट तीन प्लस एक। तो शून्यकों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए, अंडर रूट तीन प्लस एक आना चाहिए।
तो देखो देखो हमने जो x के मान निकाले हैं उन दोनों को जोड़ने पर क्या आ रहा है। तो देखिए इसमें इस वाली संख्या को जोड़ा तो हमारे पास आ रहा है अंडर रूट 3 + a। इस सवाल के अकॉर्डिंग सुनने को का योग कितना आ रहा है अंडर रूट 3 + a, और हमने जो फॉर्मूले से निकाला है इसका मान भी क्या आ रहा है अंडर रूट 3 + a। आगे समझ में। अब देखिए दूसरा शून्य का गुणनफल, शून्य का गुणनफल देखिए क्या आना चाहिए फॉर्मूला c/a। सी क्या है देखो, सी है हमारा x और x स्क्वायर के अलावा जो संख्या होती है वही या लास्ट वाली संख्या। तो लास्ट वाली संख्या क्या है अंडर रूट का 3 है, तो c क्या हो गया अंडर रूट 3। a क्या हो गया x स्क्वायर का गुणांक, तो x स्क्वायर का गुणांक मतलब x स्क्वायर के साथ जो संख्या लगी है तो क्या लगा है 1। तो गुणनफल कितना आ गया अंडर रूट में 3 आ गया। अब देखिए हम क्या करेंगे इन दोनों को गुणा करके देखो क्या अंडर रूट 3 आ रहा है, तो अंडर रूट 3 को 1 से गुणा करो तो क्या आ रहा है वापस अंडर रूट 3 ही आ रहा है। तो देखो ये वाली संख्या और ये वाली संख्या बराबर आ रही है, इसका मतलब हमारे जो शून्य है उनकी जांच भी हो गई, शून्यकों का योग भी अंडर रूट 3 + a आ रहा है और शून्यकों का गुणनफल भी अंडर रूट 3 बराबर आ रहा है, इसका मतलब सवाल सही है, जांच भी हमने जो शून्य निकाले वो भी सही है। ठीक है फटाफट से उतार लीजिए वीडियो को पॉज करके, मैं आगे बताता हूँ आपको सवाल, वीडियो को रोकिए और सवाल को उतारिए और फिर वापस से चला लीजिएगा। ठीक है ठीक है मैं मिटा रहा हूं इसे, अगले सवाल करते हैं। सेकंड सवाल मैंने आपको अब तक बताया था एक दिन जिसमें हमने शून्यकों की जांच के लिए फॉर्मूला देखा था, और हमने देखा था अगर आपको किसी बहुपद के शून्यकों का योग दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए शून्यकों का योग भी दे दे और शून्यकों का गुणनफल भी दे दे, तब आप बहुपद कैसे ज्ञात करेंगे। अगर आपको किसी बहुपद के शून्यकों का जो योग है वो भी दे दिया जाए और शून्यकों का गुणनफल भी दे दिया जाए तो आप बहुपद कैसे ज्ञात करेंगे, इसका फॉर्मूला मैंने बताया था आपको। तो देखिए मैंने बताया था आपको फॉर्मूला एक कि बहुपद किस तरीके से ज्ञात किया जाता है। तो देखिए मैंने बताया था आपको फॉर्मूला कि x बहुपद क्या होगा हमारे पास, ठीक है, जब आपके पास किसी बहुपद के शून्यकों का योग हो, योग दिया हो सवाल में और शून्यकों के बहुपद के शून्यकों का गुणा भी दिया हो, योग भी दिया हो और गुणा भी दिया हो, तब आप बहुपद किस तरीके से ज्ञात करेंगे, इसका फॉर्मूला मैंने बताया था आपको। तो देखिए फॉर्मूला था हमारे पास x स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग, अगर नहीं याद है तो लिख लीजिए शून्यकों का योग, फिर x लगता है प्लस लास्ट में आएगा शून्यकों का
गुणनफल बराबर जीरो। ठीक है, ये बहुपद ज्ञात करने का फॉर्मूला था आपके पास कि एक्स स्क्वायर माइनस शून्य को का योग लिखेंगे हम यहां पर, उसके साथ क्या लगाना है एक्स प्लस शून्य को का गुणनफल लिखेंगे। ठीक है, तो बराबर जीरो ये हो गया हमारे पास बहुपद। ठीक है, अब बराबर जीरो ना लगाएं तो भी प्रॉब्लम नहीं है, यहां तक करना है आपको कम से कम एक्स स्क्वायर माइनस शून्य को का योग एक्स प्लस शून्य को का गुणनफल। अब आपको सवाल में क्या देगा, शून्य को का योग देगा और शून्य को का गुणनफल देगा देगा। देखो जैसे एक सवाल दिया है आपके एक्सरसाइज 3.1 का सेकंड का जो फर्स्ट है, आपको बताए गए हैं सवालों में कि शून्य को का योग है सबसे पहले, उसके बाद शून्य को का गुणनफल है। ठीक है, तो जैसे इस सवाल के लिए आपको क्या बताया है, शून्य को का जो योग है वो है माइनस का, शून्य को का योग दिया है माइनस तीन। ठीक है, शून्य को का योग आपको दिया है माइनस तीन। और शून्य को का जो गुणा है वो दिया है दो। ठीक है, सेकंड सवाल का जो पहला सवाल है, दूसरे का जो पहला सवाल है, आपको पूरे दूसरे सवाल में यही दिया गया है कि जो पहली संख्या लिखी है सवाल में, देखो सवाल केवल ऐसा लिखा है माइनस का तीन और दो, ये जो पहली संख्या लिखी है वो है शून्य को का योग। इसका मतलब इस पहले सवाल के लिए शून्य को का योग कितना है, माइनस का तीन है। फिर जो दूसरी संख्या लिखी है वो शून्य को का गुणा है, मतलब शून्य को का जो गुणनफल है वो सेकंड वाली संख्या है, तो यहाँ पर दो है शून्य को का गुणा। अब फिर आपको बोला है कि यदि इसी बहुपद के शून्य को का योग माइनस का तीन है, शून्य को का गुणनफल दो है, तो बहुपद ज्ञात करो। अब आपको फॉर्मूला याद है तो आप क्या करेंगे, फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे और आंसर आ जाएगा। तो हम यहां लिख देंगे बहुपद बराबर, जो बहुपद होगा वो क्या हो जाएगा, देखो फॉर्मूले को काम में लेते हैं तो एक्स स्क्वायर फिर माइनस, फॉर्मूले में माइनस, देखो इस फॉर्मूले को बता रहा हूं कैसे लिख रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस क्या आएगा, शून्य को का योग लिखना है, तो शून्य को का योग कितना दिया है माइनस का तीन। तो देखो शून्य को के योग की जगह मैंने माइनस का तीन लिख दिया, क्योंकि हमें शून्य को का योग माइनस तीन दिया है। इसके बाद x लगाना था तो x एक प्लस, तो प्लस शून्य को का गुणनफल, मतलब यहां क्या लिखना है इसके बाद, तो शून्य को का गुणा कितना है वो, तो दो। ठीक है, ये आपका आंसर हो चुका है, बस इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, क्यों खुद देखिए x स्क्वायर माइनस और माइनस प्लस का तीन और x प्लस का दो हो गया बहुपद। बस इस तरीके से आपको ज्ञात करने हैं सभी सवालों के, जो सेकंड में जो दूसरे सवाल में जितने भी सवाल दिए गए हैं सभी की वैल्यू रखिए, शून्य पहली संख्या क्या है, शून्य को का योग है, दूसरी संख्या क्या है, शून्य को का गुणनफल। ठीक है, बस फॉर्मूले में वैल्यू रखी हमने एक्स स्क्वायर माइनस माइनस शून्य को का योग माइनस का तीन, एक्स था फॉर्मूले में तो एक्स प्लस शून्य को का गुणनफल, तो शून्य को का गुणनफल कितना है दो, सवाल में शून्य को का गुणा कितना दिया था दो, तो दो लग दिया। अब सॉल्व कर लीजिए थोड़ा सा, बस एक्स स्क्वायर माइनस और माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस हो गया तीन एक्स प्लस दो, ये आपका बहुपद, सवाल खत्म। फॉर्मूला याद है तो सवाल बुझाएगा।
तो फॉर्मूला याद करना कंपल्सरी है, कंपल्सरी ठीक है। एक सवाल और करते हैं ऐसा ही, इसे मिटा रहा हूं ठीक है, इसको उतारना है फटाफट उतारो। अगला जो हमने शून्य के योग गुणा दे रखे हैं वो देखते हैं। ठीक है तो देखिए अगले सवाल के लिए हमें जो शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणा दिया है वो देखते हैं। हमारे पास जो दूसरे का जो पांचवा सवाल है, पहले इजी वाला बता लेता हूं फिर आपको थोड़ा सा हार्ड वाला दो सवाल और करा देंगे ठीक है। तो देखिए सेकंड का जो फिफ्थ क्वेश्चन है उसमें हमें शून्यकों का योग दिया है चार और शून्यकों का गुणा एक, ठीक है। शून्यकों का योग दिया है चार और शून्यकों का गुणा दिया है एक। अब फॉर्मूले में वैल्यू रखो, शून्यकों का गुणनफल यहां पर, शून्यकों का योग यहां पर और आंसर। तो बहुपद क्या हो जाएगा देखो, एक्स स्क्वायर माइनस, तो माइनस फॉर्मूले वाला, शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग इस बार क्या है चार और एक्स प्लस शून्यकों का गुणा, शून्यकों का गुणा कितना है एक, तो प्लस एक प्लस और शून्यकों का गुणा एक, बहुपद खत्म ठीक है। ये बहुपद हो गया। छठा सवाल, दूसरे का जो छठा सवाल है उसको देखो, उसने क्या दिया है हमें। सेकंड का जो सिक्स्थ क्वेश्चन है उसमें यहां हमने दिया है यहां पर शून्यकों का योग एक और शून्यकों का गुणा कितना दिया है एक। सवाल दूसरे के छठे में दिया है शून्यकों का योग एक, शून्यकों का गुणा एक, दोनों ही एक है। तो फॉर्मूले में वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग किया है इस बार एक, तो हम एक लिखते नहीं है केवल एक्स लिख दिया ठीक है। प्लस शून्यकों का गुणा तो प्लस एक, ये हो गया आपका बहुपद। आ गया समझ में, देखो एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग एक है तो एक किलो एक लिख दो ठीक है, और साथ में एक्स है तो एक्स प्लस शून्यकों का गुणा तो प्लस शून्यकों का गुणा कितना है एक, तो एक। आ गया समझ में, एक हम यहां से हटा देते हैं क्योंकि हम एक्स और एक्स स्क्वायर के साथ कभी भी एक नहीं लिखते हैं ठीक है। तो ये हो गया बहुपद ठीक है। आगे आगे करें, और सवाल हमें दिया है जिस जैसे दूसरे का जो तीसरा सवाल है सेकंड का थर्ड क्वेश्चन उसमें देखिए उसमें क्या होगा, उसमें हमें दिया है जो शून्यकों का योग है वो दिया है एक बटे चार और शून्यकों का गुणा भी कितना दिया है एक बटे चार ठीक है। देखो दूसरे के तीसरे सवाल में दिया है शून्यकों का योग एक बटे चार, शून्यकों का गुणा एक बटे चार। वैल्यू रखिए बस, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग कितना है एक बटे चार, तो देखो लिख दिया एक बटे चार प्लस शून्यकों का गुणनफल, तो प्लस शून्यकों का गुणनफल कितना है एक बटे चार। देखो कितना अच्छी बात है, मेरे को वापस उतारना ही नहीं पड़ा, हो गया ना। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक बटे चार एक्स प्लस एक बटे चार, अब बटे वाली संख्या को आप हटा दो। कैसे हटाओगे तो देखिए यहां पर भी बटे में चार है और इसमें भी बटे में चार है, तो क्या करो पूरे बहुपद को चार से गुणा कर दो। क्या करें, पूरे बहुपद को चार से गुणा कर दे, तो लिख देते हैं यहां पर
बहुपद को चार से गुणा करने पर, तो चार से गुणा कर दो पूरे बहुपद को, तो देखिए इसको चार से गुणा किया तो देखो चार एक्स स्क्वायर, यहां पर हमने चार से गुणा किया तो चार एक्स स्क्वायर माइनस एक बटे चार को चार से गुणा करो तो देखो यहां पर इसको चार से गुणा कर रहे हैं, ठीक है, इस चार से नीचे वाले चार कटता है, ठीक है, मतलब ये चार हट गया नीचे वाला, देखिए यहां हमने चार से गुणा किया तो ये आ गया चार एक्स स्क्वायर, यहां हमको चार से गुणा करना है तो क्या आ जाएगा, चार हमने गुणा किया चार और बटे में चार है इससे ये कट गया, क्या बचा केवल x, तो माइनस x बच गया प्लस एक बटे चार, फिर से चार से गुणा करो तो वो चार से भी चार कट गया, क्या बचा प्लस का एक, तो ये हो गया बहुपद, ठीक है, क्या करा बहुपद को चार से गुणा कर दिया, यहां पर चार एक्स स्क्वायर माइनस चार से गुणा किया तो चार से चार कट गया केवल x, प्लस यहां पर हमने फिर से चार से गुणा किया तो चार से चार कटा, क्या आ गया प्लस का एक, तो ये बहुपद हो गया, बटे वाला अगर हो जाए तब उसको बटे में जो संख्या लिखी है उससे गुणा कर दो, आपके पास क्या आ जाएगा बहुपद सही सही आ जाएगा, बटे की संख्या नहीं आएगी। और करें सवाल, और सवाल है हमारे पास जिसमें हमें दिया है जीरो और अंडर रूट पांच, अगला जो शून्यकों का योग है वो दिया है हमें जीरो, और शून्यकों का जो गुणा है वो हमें दिया है अंडर रूट में पांच, ठीक है, तो बस फॉर्मूले में वैल्यू रखो बहुपद आ जाएगा। तो देखिए बहुपद को लेकर आते हैं, शून्यकों का योग है जीरो और शून्यकों का गुणा है अंडर रूट में पांच, तो फॉर्मूले में वैल्यू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस शून्यकों का योग लिखे तो क्या है जीरो गुणा एक्स, क्या करेंगे जीरो एक्स से यहां पर गुणा ही यही होता है, प्लस शून्यकों का गुणा, तो शून्यकों का गुणा कितना है अंडर रूट में पांच, ठीक है, अब देखिए जीरो से एक्स को गुणा किया ये वाली संख्या जीरो हो गई पूरी, ये संख्या जीरो हो गई, क्या बचेगा एक्स स्क्वायर, ये तो पूरा जीरो प्लस अंडर रूट में पांच, हमारे बहुपद क्या बन गया एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट में पांच, आया समझ में, देखो एक्स स्क्वायर था जीरो, शून्यकों का योग लिखा जीरो और एक्स, तो ये यहां पर आपस में गुणा होते हैं, तो जीरो से एक्स को गुणा किया तो जीरो से किसी को भी गुणा करो आप जीरो आ जाएगा, तो ये जीरो हट गया, तो ये संख्या तो पूरी हटी जाएगी, केवल क्या बचेगा अंडर रूट का पांच, तो वो लिख दिया मैंने एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट पांच, ठीक है, एक सवाल और इसका फटाफट उतार लेंगे, एक और है तो देखिए इस सवाल में हमें दिया है जो शून्यक है उनका योग, शून्यकों का योग दिया है अंडर रूट एक सॉरी अंडर रूट दो ठीक है, और शून्यकों का गुणा दिया है एक बटे तीन, तो क्या करना है बस फॉर्मूले में वैल्यू रखो एक्स स्क्वायर
माइनस शून्य को का योग कितना है अंडर रूट में दो, कितना है अंडर रूट में दो है, तो माइनस शून्य को का योग लिखिए अंडर रूट में दो एक्स, देखो शून्य को का योग लिखा अंडर रूट दो और एक्स, प्लस शून्य को का गुणा, तो प्लस शून्य को का गुणा कितना है एक बटे तीन आ गया। और अभी मैंने बताया था अगर बटे में लिखा है तो इसे जो बटे वाली संख्या है उससे पूरे को गुणा कर दो, यहां पर हमने गुणा किया तीन से, क्या करेंगे इस बार बहुपद को तीन से गुणा करेंगे, तो तीन से गुणा करोगे तो तीन एक्स स्क्वायर माइनस, तो लिखते जाइए यहां हम बहुपद को तीन से गुणा कर रहे हैं तो तीन एक्स स्क्वायर माइनस, देखो तीन से इसको गुणा किया तो तीन एक्स स्क्वायर माइनस, यहां पर तीन से गुणा किया तो तीन अंडर रूट दो एक्स, प्लस यहां पर तीन से गुणा किया तो देखो तीन से तीन कट गया क्या बचेगा प्लस का एक, तो ये हमारा बहुपद बन गया है। आगे समझ में, तो आपकी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो चुकी है, सारे सवाल मैंने लगभग करा दिए हैं इसके। इसके आगे आप जो एक्सरसाइज 3.2 पढ़ेंगे वो आप पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।